हेलो गाइस, मैं पंकज मीणा और आज आपके सामने है भाई डिज़ायर। वही सेम डिज़ायर पर अलग है, पिछली बार थी सीएनजी में, इस बार पेट्रोल में। काफ़ी लोगों की डिमांड थी भाई, इसका रिव्यू करके दिखाओ सीएनजी और पेट्रोल वाले में क्या फ़र्क है। उस बंदे ने पूरी सीएनजी चला रखी थी और ये भाई प्योर पेट्रोल पर है और लगभग 50 से ऊपर चल चुकी है। वो वाला मॉडल था भाई 2014 या 13 का, मेरे को मालूम नहीं, वीडियो में जाकर देख लेना ढंग से। और ये उसके बाद 2015 का है ना भाई, ये 2015 का। और इस भाई के मालिक से मिलवाते हैं, इस गाड़ी के मालिक ये ना। और भाई क्या हाल ख्याल है? बढ़िया भाई। तो भाई ये बड़ी मुश्किल से इनको बुलाया उन्हें, आप ही देते हैं, बड़े बिजी आदमी है इनको बड़ी मुश्किल पकड़ के लेके आए। भाई काफ़ी बंदे बोल रहे हैं कि इनका रिव्यू करके दिखा भाई पेट्रोल गाड़ी का, इन्होंने पूरी पेट्रोल चलाई है। तो भाई गाड़ी के बारे में बताओ भाई, ये ग्रिल वगैरह है जो जो आप बता रहे थे अभी मेरे को थोड़ी देर पहले। 2015 मॉडल है, 15 में ये वाला नया आया था, ये वाला बंपर। अच्छा अच्छा। उससे पहले ये नॉर्मल लाइट आती थी, ब्लैक लाइट्स आई थी और थोड़े फॉग लैंप्स के डिज़ाइन थोड़ी चेंज थी। ये बाकी लगभग सेम था 14 और 15 में, और कुछ डिफरेंस नहीं था। ये कौन सा मॉडल है? VXI है ना? VXI है। इसके ऊपर ZXI आता है? हाँ, ये मीडियम मॉडल है। अच्छा, मिडल है। ZXI प्लस थोड़ी आता है इसमें? ZXI प्लस उस टाइम आता है, उस टाइम आता था। अच्छा, कितनी चला चुके हो भाई गाड़ी को? लगभग गाड़ी भाई लगभग 55,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये आपने चलाई पूरी? नहीं भाई, मेरे हाथ में भी 2 साल चाहिए, उससे पहले बड़ा भाई चलाता था मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा। और गाड़ी तो भाई उन्होंने थोड़ी बजा रखी है, वैसे मेंटेन तो अच्छी कर रखी है भाई। कितनी चला चुके हो मतलब इस हाईएस्ट एक बार? लंबी ट्रिप कितनी मारी, कोई लंबी ट्रिप आज तक इसे कभी? भाई लंबी ट्रिप ऐसे तो नहीं, वैसे गांव 700-600 किलोमीटर एक साइड से लगता रहता है। अच्छा, मतलब क्या एवरेज देती है उसमें गांव जाते जब आप? ऑन हाईवे 16-17 और दिल्ली में 14-15। और आप थोड़ा हैवी चलाते हो, पंजा थोड़ा भारी है। और ये सेंसर वगैरह कंपनी फिटेड है या आफ्टर मार्केट है? सारे कंपनी फिटेड है। उस टाइम लगा देती थी कंपनी? हाँ, 15 में निकाल उस टाइम लगे आए थे सारे। और इसमें ये सेंसर कहाँ गया? ये एक्चुअली हुआ क्या, लास्ट मंथ जैसे पता ही है मेरे पापा काफ़ी बीमार रहते हैं, से आ रहा था मैं तो द्वारका में शिक्षा भारती के पास, 3-4 ब्रेक आ रहे हैं, मैंने ब्रेक मारा तो पीछे से एक ने थोड़ी सी दे दी थी। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम क्या, ये बम्पर रिपेंट करवाया था हमने, तो ये सेंसर पे यहाँ पर लटक गए अभी, चेंज करवाने अभी। हाँ, ये लटक रहे हैं, सेंसर रखा हुआ है। अच्छा, ये बम्पर चेंज हो चुका है एक बार? बम्पर चेंज नहीं हुआ, बस रिपेंट हुआ है फिर से। अच्छा, रिपेंट हुआ है, थोड़ा सा दब गया था अंदर को। और आपने गाड़ी में और क्या क्या लगवा रखा बाहर से कुछ? बाहर से भाई थोड़े से शीशे पेंटेड करा रखे हैं। हाँ, ये इन पे चालान नहीं होता भाई? भाई चालान ऐसा है कि हम नॉर्मल चलाते हैं, ज़्यादा पुलिस वालों के आगे हरकतें नहीं करते। हाँ, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए धूप से बचने के लिए करवा रखे हैं। और भाई और क्या क्या करा रखा है इसमें? भाई बस ये थोड़े से शीशे टिंडेड करा रखे हैं, ऊपर का ये छत ब्लैक करवा रखी है। ब्लैक करवा रखी है। आजकल वो चल रहा है ना भाई डिज़ायर में सनरूफ वाला, वो चिपका देते हैं सनरूफ साइज का, ओके लगता है बाहर से सनरूफ है पर होती नहीं है। नहीं नहीं, वो स्टिकर बेफालतू हमें चाहिए नहीं। अच्छा, आपने आगे शीशा भी घर से थोड़ा सा काम करवा रखा था गाड़ी पे? हाँ, आपने इंटीरियर करा रखा, मैंने देखा था। हाँ, ये पूरा उस टाइम 10 आए थे। इसके वो कहाँ गए, ऊपर गए? ये लगवाई नहीं, जब से 15 में ली थी तब से ही हटवा रखे हमने, रखे नहीं घर पे रखे। अच्छा, क्योंकि ये चाहिए नहीं, उससे थोड़े लुक अजीब से हो जाते, ये बढ़िया लगता हमें सिर्फ। ये प्योर लेदर है? प्योर लेदर है। ये पीछे डैशबोर्ड पूरा करा था, डैशबोर्ड दबा दिया क्योंकि उससे डैशबोर्ड खराब हो जाता है। हाँ, कितने की पड़ी आपको ये कॉस्टिंग इसकी? भाई ये तो बड़े भाई को पता है, उसी ने करवाई थी। अच्छा, ये मतलब कब कराया था? ये 2015 में गाड़ी ली थी, उसके अगले दिन ही करवा देते। तो अभी तक तो मतलब कुछ छेड़छाड़ नहीं कराई इसके बाद ना? अभी तक अच्छी जगह से करवाए थे, तो अभी तक सारे कवर बिल्कुल दोस्त में, अभी रिंकल वगैरह कुछ भी नहीं है। नहीं देखो, बिल्कुल ऐसा भी लग रहा है कि एक दो महीने पहले काम कराया है। और गाड़ी में और कोई दिक्कत वगैरह भाई? नहीं भाई, बाकी सारा वही है, कंपनी फिटेड है सब कुछ। और कोई समस्या गाड़ी के साथ? समस्या कुछ नहीं, बस एवरेज थोड़ी सी कम है और कुछ नहीं, बाकी ठीक है। बाकी गाड़ी एक नंबर। बिल्ड क्वालिटी वगैरह? बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है, बस ब्रेक थोड़े ख़राब है इसकी। क्यों? डिज़ायर के ब्रेक सबको पता है थोड़े कम लगते हैं। अच्छा, तो इसलिए थोड़े आराम से चलाने पड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं। हाँ, इमारती डिज़ायर में वही 1.2 लीटर का इंजन आता है, 82 BHP और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क वाला। और टायर इसमें भाई, टायर चेंज हो चुके हैं या कंपनी वाले ही अभी तक? भाई पीछे वाला स्टॉक है जो कंपनी से आता है, आगे वाला बिल्कुल फ्लैट हो चुका था मेरा, मैं चाहूँ तो फोटो दिखा दूंगा। और ये अभी डलवाया, लास्ट कुछ ही हफ्ता हुआ है इसको डिलीवर। व्हील कवर की हालत ख़राब हो रही है, लेकिन कुत्ता ने खा गया इसका साइज़ है आज तक चेंज नहीं, कंपनी फिटेड है व्हील कवर भी, तो ये ऐसे लग लें कुत्ते खा गए इसे। ये साइज़ है 165/80R14 इंची का टायर है इसमें MRF के। तो भाई आपने इससे पहले इसमें मतलब अपोलो के आते थे या MRF के आते हैं शुरुआत से टायर इसमें? नहीं भाई, ये कंपनी फिटेड है, इसमें शायद सीएट का, ये JK है शायद। JK? हाँ, ये JK है, कंपनी JK लगा के देती है, बाकी फिर MRF डलवा दिया था हमने। तो कुछ फ़र्क लगा आपको JK और उसके बाद यूज़ करने के बाद? दोनों ही टायर बढ़िया है, MRF का थोड़ा अच्छी ग्रिप बता दें तो ले लिया कंपनी। कहते हैं MRF का टायर थोड़ा हार्ड है, और जैसे अपोलो का, ये जैसे कॉन्टीनेंटल, यूकम आ गए, इनके टायर थोड़े नॉइस कम करते हैं रोड पर।
नहीं ऐसे तो कोई दिक्कत है लगी नंबर बना दिक्कत आई बाकी थोड़ा एमआरएफ का हमें सस्ता पड़ता है कंपनी में जान पहचान है इसलिए लगवा लिए। हाँ अप्रोच भी बहुत लगती है इसमें। और इस गाड़ी के बारे में पॉजिटिव तो बता दो कुछ भाई, इतनी मारुति सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। कहने के लिए तो मारुति की सबसे वेल बिल्ड कार है ये, डिजायर को वेल बिल्ड करते हैं तो भाई उसी हिसाब से काफ़ी रफ एंड टफ चलाते हम। हाँ वो मैंने देखा है, ये भाई चेंज ही नहीं करते, 4,000 RPM पे गियर चेंज करेंगे और फिर भी कहते हैं एवरेज नहीं, तभी भाई गाड़ी 14 का एवरेज दे ही रही है। कहीं भी चढ़ा देता है उतार देता है ऐसे यार मेरे हिसाब से। जैसे पहले देखो 2015 में देखो बोनट वोनट भी चलो काफ़ी दब नहीं रहा देखो दबाने पे भी, और इस बार वाली क्या है ना मैंने 2019-20 वाली है जो अब नया उनका तो यूँ वैसे टेला टीन है बिल्कुल पच पच करके आवाज़ करके अंदर चला जाता है। तो गाइस अब हम इसके अंदर बैठे हैं, इसके अंदर बैठ कर देखेंगे इसका कैसा बच, कहीं से आवाज़ वगैरह तो नहीं आ रही, राइडिंग क्वालिटी कैसी है और भाई गियर कब चेंज करते हैं। मेन चीज़ तो वही अच्छी लगी मेरे को इसमें, तो भाई इसमें बेसिक सही आता है जिसमें बिल्ड वगैरह तो नहीं मिलता मेरे साथ उस टाइम पे। ब्लूटूथ भाई ये लगवा रखा है अलग से, आफ्टर मार्केट लगवा रखा है छोटा सा। अच्छा ये क्या जो गाड़ा भाई बताओ बताओ, USB पे डालो अपना। अच्छा बाकी बस अपना फ़ोन से कनेक्ट कर लो। तो इसको चार्ज करना पड़ता होगा फिर? नहीं भाई ये इसका यही खासियत है बस, एक ये पेन ड्राइव सी है बस, इसी यही ब्लूटूथ है, इसमें कोई भी चार्ज वार्ज का कोई सिस्टम नहीं है। कितने की पड़ी भाई ये? ये भाई तुम्हें मार्केट में 200 रुपये की मिल जाएगी। अच्छा 200-250। ये चीज़ तो भाई बहुत मस्त लगी मेरे को, लानी पड़ेगी। अच्छा मतलब डायरेक्ट यूज भी ऑन हुआ तो उसके बाद करेक्ट बस यूएस भी अपना ऑन करो और ये रेडी टू गो। बस लग गया एसी तो यार गाड़ी का शानदार। ये क्या लगा रखा है ये भाई? पार्किंग सेंसर से जो कंपनी फिटेड आए थे जो पीछे देखे थे। अच्छा मुझे लगा ये वो रॉकेट होता ना उड़ने के लिए, ये है वो एल्टीट्यूड मीटर वगैरह दिखाता है। और ये हल्की सी वाइब्रेशन आ रही है इसे, ये अच्छा ये कितना यूज लगता है भाई मेरे को बताओ? ये मैंने बहुत कम गाड़ी में देखा है, बंदे लगाते हैं क्या मजा आता है इसे चलाने में भाई, काफी काम की चीज है। मैं आगे दिखा दूं, चलो मोड़ के दिखा दूं। अच्छा प्रैक्टिकल यूज दिखाओ इसका क्या है। ओ भाई साहब अच्छा ये फायदा है इसे। अब होता क्या है इसमें कई बार, अभी जैसे मैंने लट्टू पकड़ लिया, मेरे हाथ में फुल ग्रिप के साथ है लट्टू। अच्छा और कई बार क्या होता है, अभी मैं आगे मोड़ूंगा, कई बार क्या होता है जब हम ऐसा पकड़ के चलाते हैं जब यूं मोड़ते हैं हाथ से, कई बार क्या होता है स्टीयरिंग फिसल जाता है हाथ से, कई बार गर्मी है सर्दी है पसीना आ गया स्टीयरिंग फिसल जाता है, तुम मोड़ रहे तो कहीं भी घुस जाते हैं कई बार गाड़ी, जैसे कि प्रॉपर ग्रिप मिलती है और आप इजीली फटाफट घुमा सकते हो पूरी गाड़ी। तो इसमें थोड़ा वैसा ही रहता कि मतलब ये क्या आवाज आई भाई? ये सबका अपना अपना वो है, कोई सबकी चॉइस है, इसको कोई अंदर लगवा लेता है ताकि स्टीयरिंग से बाहर ना जाए, किसी को बाहर रखना पसंद है। मैं इसको बाहर रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा आराम से हाथ रहता है और हैंडल्स का काम करता है मेरे, तो गाड़ी चलाना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कभी इसकी टॉप स्पीड चेक करी गाड़ी की भाई? मैं तो वैसे पता ही है तुम्हें, मैं बाइक वाइक ज़्यादा चलाता हूँ, बाइक में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट मैंने इसको 150-160 चलाया है। बाकी मेरे भाई ने इसको जब नई नई ली थी हमने, तब नया जब भगाने का शौक होता तब हमने इसको 190 टच कर रखा है। 190 चली गई है? हाँ यमुना एक्सप्रेस वे पर हमने इसको 190 टच करा था एक बार ही। ओ भाई साहब 190 तो कैसे? हाँ। बताई नहीं, वीडियो क्लिप पड़ी है तो मैं बता देना, मैं डाल दूंगा वीडियो क्लिप भी, मेरे पास फोटोज पड़ी होंगी इसकी। ये तो भाई कैसे खा चला है कितनी चली जाएगी? 100 बार हो जाएगी भाई, रोड खत्म हो गई। अब एक काम करते हैं वहां से मोड़ेंगे फिर एक बार इसका टेस्ट कर लेते हैं, इसका 0-100 भी कर लेते हैं आज। हां चलो ठीक है, मैं इसका एक बार घुमा लेता हूं गाड़ी में यहां से। ओके ओके भाई, कम से कम 500-600 मीटर खाली है, बिल्कुल दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा। और भाई ने सीट बेल्ट लगा रखी है इस पे। हाँ दिखा दो चलो रेडी रेडी। 80 बार हो चुकी है और रुके नहीं तो सामने घुस जाएंगे सीधा, 100 टच होगी भाई। थोड़ी रोकनी पड़ेगी गाड़ी पूरी भाई सामने घुस जाती इसमें भी। हाँ, ये इसका सिर्फ थर्ड गियर का था, मतलब 100 के बाद गाड़ी थोड़ी ब्रेक मारने की जरूरत पड़ गई थी उसके बाद, भाई नहीं मारते ना अभी आरपा निकल जाते हमारी में बैठा था ना उसको लेके चल जाते। तो भाई ऐसी चीजें घर नॉर्मल रोड पर ना ट्राई करें। ये तो भाई हम थोड़ा ऐसी मजाक कर रहे थे, रोड खाली है बिल्कुल, देख लो सीट बेल्ट वगैरह लगा रखी है। पिकअप दिखा रहे थे कि 5 साल बाद भी गाड़ी का पिकअप कैसा है और ऑलमोस्ट चल चुकी है भाई,
55,000 पार हो गई। देखो भाई पूरे 55,800 हो गई है, करेक्ट। हाँ ये देखो, और टाइम बच गया 12:19 हो रही है, वैसे गलत दिखाया टाइम। हाँ टाइम खराब चल रहा है, टाइम खराब चल रहा है, वैसे भी खराब चल रहा है। टाइम हो रहा है 15:37, मतलब 3:37। तो भाई इसके किलोमीटर चेक करते हैं, पर भाई कितने किलोमीटर चला चुके हैं। इंटीरियर बढ़िया लगा भाई मेरे को तुम्हारी गाड़ी का यार। कितनी चल गई? 55,797। 3 किलोमीटर बच गए भाई, वरना पूरी हो जाती। और उस दिन जो वीडियो बना रहे थे ना उसमें भी 2 किलोमीटर बचे थे, वो भी पूरी हो जाती। एवरेज कितना दिखा रही है भाई ये? एवरेज स्टार्ट ये दिखाया इसने 14.7 का, चलो एवरेज ठीक ठाक है यार। ये सब देखा जाए, तुम बता रहे हो चलाने वाले तुम चलाते हो उस तरीके, पर जब से पेट्रोल महंगा हुआ तब से कम लग रहा है। सीएनजी लगवा लो भाई फिर से। नहीं सीएनजी अभी तक जब 6 साल हो गए लगभग गाड़ी को पेट्रोल पे चलाई, तो अभी पेट्रोल पे रखेंगे। मतलब सीएनजी को प्लान नहीं है? सीएनजी का कोई प्लान नहीं है। अच्छा सीएनजी से इंजन खराब हो जाता, बाकी फिर हमें जैसी पावर चाहिए वो सीएनजी से होती है पावर। हाँ वो तो है, वो जैसे पहले वाली वीडियो में देखी हुई आपने तो उसमें पावर का थोड़ा है। एसी कैसा गाड़ी का? एसी एक नंबर अभी बैठता है। हाँ एसी तो मेरे को तो मस्त लगा। और मतलब ये तो चलो अभी इस टाइम में क्या चलता, मौसम थोड़ा वैसे हो रहा बारिश वाला, वैसे बड़ी गर्मी में कैसे मौसम है? एसी में कभी कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। एसी कभी कभार सर्विस कराते रहो साल डेढ़ साल, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखते हैं इसका बूट स्पेस, उसका तो उसमें तो भाई स्पेस था ही नहीं बिल्कुल भी, कि वो सिलेंडर रखा हुआ था सीएनजी का। अच्छा भाई का नाम अवस्थी है, देख लो इसके सर नेम अवस्थी, मैं अवस्थी नाम से बुलाता हूँ इसे। ये बूट स्पेस है यार, सही बताओ ना उससे तो बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें। उसमें तो कम से कम यहाँ तक तो सीएनजी थी, वो बस वैगनार जितना स्पेस बचा रहा था पीछे के पीछे इसमें। बंद कर दो भाई, ये ऑटोमेटिक आना चाहिए था ना अपने बटन दबाते ही। 7 लाख की गाड़ी में सारी दुनिया के फीचर ले लो। हाँ ये मारुति ऐसी मुझे लग रहा मारुति खरीद देगा थोड़े दिन में, ये चीज़ दे देगा आने वाले टाइम में आपको। चलो एक बात बताओ भाई अवस्थी भाई, कि जो नई वाली डिजायर तुम देखी होगी चला भी ली होगी, हो सकता है? नहीं चला ही, चला ही नहीं है नहीं। तो आपको वो ज़्यादा पसंद है ये वाली ज़्यादा पसंद है अभी? ये वाली मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है, उसमें थोड़ा स्पेसियस भी थोड़ी कम लगती है मेरे को बैठने के बाद, उसके पीछे की सीट थोड़ी छोटी है। अच्छा बैठी देखी उसमें कभी आपने? ट्राई किया बैठी? अब एक बात बताओ चलो कितने की पड़ी थी आपको उस टाइम? ये मेरे को लगभग 7 के आसपास पड़ी थी उस टाइम। ये VXI सारे कहाँ गए मारुति वारुति? मैंने बताया ना जैसे अभी पीछे से किसी ने मार दिया तो थोड़ी सी ये और ये हल्का सा रिपेंट करवाए, कि गाड़ी ठुकी ठुकी अच्छी नहीं लगती। अच्छा क्लेम रखो गाड़ी को बाकी। हाँ तो मैं पूछ रहा था मतलब कि आप दूसरी कोई गाड़ी लोगे तो कौन सी कंपनी में जाना पसंद करोगे? अभी वैसे अब इसके बाद प्लान तो कर रहे हैं, अभी एक छोटी गाड़ी लेने का सोच रहे हैं। कौन सी? छोटी सी डेली यूज के लिए सीएनजी फिटेड ऑल्टो वैगनर में से कोई है। मतलब दोबारा मारुति में जाओगे? हाँ और मारुति में सिर्फ इसलिए क्योंकि माइलेज अच्छा देती है अभी, और लो मेंटेनेंस वगैरह गाड़ी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ काफी ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है, छोटी गाड़ी लेंगे। वैसे इसके बाद हमारा प्लान है XUV500 भी जाने का। तो भाई अब तो सुनने मारा नहीं XUV700 भी आ रही है? अब 700 आएगी, लुक कैसा आता है वो उस पर डिपेंड करता है, वैसे अभी तक XUV500 पे। अच्छा मतलब आप दो गाड़ी एक तो मतलब हर घर मतलब ये मतलब हर जगह सुना हुआ है मैंने कि एक गाड़ी तो मारुति की मिलेगी घर में। हाँ। चाहे आप फॉर्च्यूनर रख लो चाहे एंडेवर रख लो, एक गाड़ी तो मारुति की होती है घर में। मारुति की बस इसलिए थोड़ा नाम खराब है बिल्ड क्वालिटी के पीछे। हाँ। बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। कभी गाड़ी ने आपको धोखा दिया रास्ते में कभी लंबे सफर में? कभी नहीं है, आज तक नहीं है। कभी रात में कभी लंबे सफर में? आप कितनी नॉन स्टॉप कितनी चला ली अब तक ये? ऐसे तो अभी परसों गए थे। कितने घंटे मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कितने घंटे नॉन स्टॉप? परसों एक ही दिन में हमने लगभग इसको 800 किलोमीटर चलाया है। तो बस यहाँ से गए हैं। अच्छा थोड़ा सा बैंक का काम था, बैंक का काम करा गांव में और वापस दिल्ली बिना रुके। लगभग कम से 8-9 घंटे ज़्यादा ही? लगभग 7 से 8 घंटे जाना, 7 घंटे जाना और रात के वक्त 8 घंटे आना। तो मतलब आपने 16-17 घंटे नॉन स्टॉप चलाई गाड़ी, कोई कमी नहीं, कोई इंजन ओवर हीट वगैरह कुछ भी नहीं? ऐसा कुछ नहीं। अब बताओ भाई इसकी सर्विस क्या कॉस्ट आती है सर्विस के पेट्रोल में? सर्विस भाई अगर कंपनी से कराओ तो कंपनी वाले 10 से 11 ले लेते हैं, और अगर बाहर से अपना अगर तुम्हें पता ही क्या क्या कराना होता है चेंज तो नॉर्मली 3-3.5 से मैक्स टू मैक्स 4,000। अब आप बाहर से कराते हो या कंपनी से? बाहर से। अब कितना बिल आया लास्ट सर्विस में इसका? लास्ट सर्विस में हमारा इसका आया था लगभग 3.5 के आसपास आया था। बताओ यार कंपनी में कहाँ 10,000 कहाँ 3.5 हज़ार, 3 बार हो जाएगी दोबारा? 3 बार और हो जाएगी उतना। हाँ वही कह रहा हूँ, मैं खुद अपनी गाड़ी करा के आया था, मेरा खुद 10,000 का बिल बनाया था उन्होंने। और ये भाई जो नीचे ब्लैक पट्टी लगा रखी है ये वाली, अब तो खराब हो रहा है। वैसे इस रैप को भी लगभग 4 साल हो चुके कराए हुए, अब उतर रहा है धीरे धीरे करके, यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ अभी निकल रहा है। हाँ। क्योंकि लगता है आपको ये फायदा है इसको लगवा के? हाँ थोड़ा सा फायदा है अंदर की, इससे क्या है थोड़ा ये प्लास्टिक रैप होता है एक तरह से, प्लास्टिक पन्नी टाइप होती है। अच्छा नीचे गाड़ी पानी में जाती रहती है कभी लगती है, तो उससे थोड़ा सा
पेंट बचा लेती है। हाँ ये समस्या मेरे वाली के साथ भी आ रखी है, थोड़ी हल्की सी जंग लग गई। जो पहले वैगनर थी वो पानी भर भर के उसका यहाँ से पूरा गल गया था ये नीचे। हाँ ज्यादा धोते हैं ना तब ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा करा दे तो थोड़ा सा असर पड़ता है कि थोड़ा सा पानी। और भाई गाड़ी की राइड क्वालिटी कैसी है? राइड क्वालिटी एक नंबर है। कभी थकान वकान कभी लगा कि मैं थक गया मैंने चला रहा गाड़ी? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा ऐसा कभी नहीं लगा? नहीं। और आपने गाड़ी में और कुछ थोड़ी करा रखा है? बस यही है जो आपने जो बता दिया। ये कंपनी लगा दिया बस लगवाया? अच्छा तो भाई ओवरऑल ये था इस गाड़ी का रिव्यू, तो चलाने के बाद का शॉर्ट में एक बार दिखा दूंगा आपको। और भाई नेगेटिव तो बता दो उस गाड़ी के बारे में, लास्ट क्वेश्चन। नेगेटिव यार कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा सा बल्कि सी गाड़ी लगती है, आगे से पतली है, पीछे से कई बार फंस जाती है निकालते हैं। चलाने में कोई वो नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हैंडलिंग वगैरह सब बढ़िया? हैंडलिंग एक नंबर की, बस थोड़ी सी ज़्यादा बबल का आ रहा है, थोड़ी सी ज़्यादा फूली फूली सी लगती है चलने के बाद। तो भाई को हो चुके हैं 6 साल इस गाड़ी को चलाते हुए, और इनको कोई भी अभी तक 6 साल के अंदर इन्हें कोई भी अभी तक कमी नहीं है, इनको सब पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव इसमें कुछ भी नहीं लग रहा। 2-3 चीज़ें आप भाई ने बता दी। नेगेटिव इसलिए नहीं लगा क्योंकि अभी तक कुछ खर्चा नहीं मांगा, बस एक टायर का खर्चा है तो वो तो गाड़ी चलेगी तो खाएगी टायर। हाँ भाई 55,000 कुछ चला चुका है, ऊपर से सिर्फ नॉर्मल जो सर्विस कॉस्ट आती है ब्रेक वाला एयर ऑयल, उसके जो आज तक कोई भी खर्चा नहीं मांगा इसमें। तो देख लो भाई मारुति वाले भाई, जो मारुति ग्राहक हैं भाई पूरा सेटिस्फाई हैं, बस सबके मुंह से एक ही कमी लगेगी जो लगेगी वो बिल्ड क्वालिटी की, उसके अलावा कोई कोई कमी नहीं दिखाता, सब बोलते हैं गाड़ी बहुत अच्छी है, मारुति का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। चलो भाई अब इस वीडियो में बस इतना ही था, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।